पीएम मोदी शनिवार को जबलपुर होकर शहडोल के लालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। शनिवार को बैटमा के 2000 से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरण का आयोजन नगर के एक निजी गार्डन में किया गया, जहां आयोजन से पूर्व हुए सीधे प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज आपको जो आयुष्मान कार्ड मिला है, ये मोदी का गारंटी कार्ड है। ये कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है। बैटमा के इस आयोजन में हितग्राहियों को मंच से पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत कर उनको उनके आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। वहीं डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा विभाग से जुड़े डॉक्टर, नर्स व आशा कार्यकर्ताओं का भी पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति उपस्थित रहे। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। आप याद रखिएगा, आज आपको जो कार्ड मिला है, अस्पताल में उसकी कीमत 5 लाख रुपए के बराबर है। आपके पास एक कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं मांग पाएगा। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहां के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना, उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा। ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है। आयुष्मान कार्ड, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एक 5 लाख का एटीएम कार्ड है, कोई भी गरीब व्यक्ति जिसके पास ये कार्ड होगा, वो किसी भी हॉस्पिटल, जो चिन्हित हॉस्पिटल हैं इंदौर या मध्य प्रदेश से बाहर भी, देश में कहीं भी अगर उस कार्ड को लेके जाएगा, तो जो चिन्हित बीमारियां हैं उसके लिए उसको इलाज के लिए पैसा नहीं देना होगा। हमारे जो गरीब भाई बहन जो कि कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं होता है, बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा होता है, व्यवस्था नहीं हो पाती है, इलाज से के अभाव में मृत्यु हो जाती है, तो उन गरीब भाई बहन अगर ये कार्ड लेकर के ऐसे अस्पताल में जाएंगे तो उनका इलाज फ्री में होगा और अस्पताल द्वारा उनसे कोई किसी प्रकार का भुगतान नहीं मांगा जाएगा और जो भी उसका खर्चा आएगा सरकार द्वारा अस्पताल को दिया जाएगा। तो ऐसे हमारे जो गरीब भाई बहन उससे वंचित रह जाते हैं, उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। एक जो आर्थिक संकट परिवार पर रहता है उससे वो फ्री रहेंगे। वो सभी शासकीय प्राइवेट सभी में वो 5 लाख का काउंट किया जाता है। परिवार के लिए वो साल भर तक के लिए फ्री उसमें होता है, पर उसके लिए चिन्हित बीमारियां होना चाहिए। अगर वो साधारण सर्दी जुकाम खांसी के इलाज के लिए आएगा तो उसको उसमें नहीं गिना जाएगा। कुछ गंभीर बीमारियां हैं या जो है उसके इलाज के लिए अगर उसको वो जो ज़्यादा खर्चा आता है तो वो उसके लिए उसको इलाज में फ्री में उसका होगा। और शासकीय अस्पताल में सुबह 9 बजे से 1-2 बजे तक ये कार्ड व्यवस्थित बनते हैं और इसके लिए अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी और फोटो लेकर के जाएं तो वहाँ पे तुरंत बनाए जाते हैं। जी, इसका योजना का फ़ायदा उन लोगों को मिलता है जो 2011 की जो आर्थिक सामाजिक जनगणना हुई थी हमारी, उसमें जो दीनदयाल या गरीबी रेखा के नीचे थे, संबल योजना का फ़ायदा जिनको मिलता है, या फिर जिनका खाद्य वितरण जो पर्ची रहती है, वो जिनके पास रहती है, तो उनका फ़ायदा इनको मिलता है उनका। आयुष्मान योजना के अंतर्गत नगर परिषद बेटमा के माध्यम से कार्ड बांटे गए, साथ ही हमारे नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल और सभी पार्षदगणों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नगर परिषद के सभी कर्मचारीगण, इनके सभी की मेहनत से ये सफल आयोजन हुआ और जिसके अंदर 2027 बेटमा नगर में आयुष्मान कार्ड बने, उन 2027 आयुष्मान कार्डों का आज वितरण किया गया। उसके लिए मैं नगर परिषद अध्यक्ष, साथ ही हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार, साथ ही हमारे देपालपुर के लोकप्रिय पूर्व विधायक मनोज पटेल जी और इनका सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके सभी के प्रयास से आज बेटमा में 2000 लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और लेंगे आगे। 5 लाख रुपए तक का ये जो आयुष्मान कार्ड मिला, इसका स्वास्थ्य लाभ लेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके वार्ड वाइज और घर घर जाकर ये लोगों का, नगर परिषद का सहयोग करके आयुष्मान कार्ड में सहयोग किया, उनके सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज डॉक्टर डेज के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सिंकल सेल एनीमिनिया और आयुष्मान कार्ड योजना का जो मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और पूर्व विधायक हमारे मनोज जी पटेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आज बेटमा नगर में 3-4 दिन से तैयारी चल रही थी। इस तैयारी के अंदर हमारी आशा कार्यकर्ताएँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर परिषद की पूरी टीम पूरी जी जान से लगी थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। साथ ही साथ जिन जिन लोगों को 2051 लोगों को जो कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो धारक नए बने हैं, उन लोगों को ये कार्ड पहुँचाने के अंदर सभी लोगों ने बहुत बहुत प्रयास करे हैं। उसके लिए मैं सभी नगर परिषद की टीम को, आशा कार्यकर्ताओं को और प्लस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के जिस कार्य को एक मुकाम तक पहुंचाया, एक आम आदमी तक उसके कार्ड तक पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।